स्टूडेंट्स so कैसे हैं आप सब लोग तो हम लोग सीयूटी का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी देख रहे थे और फिलहाल क्योंकि टर्म वन क्लास खत्म हो चुका है टर्म टू चल रहा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी टर्म आने वाला है इसीलिए मैं टर्म के के अकाउंटेंसी सिलेबस सिलेबस का पूरा डिटेल आपको करा चुका हूं। लेकिन साथ में हर एक चैप्टर के एमसीक्यू भी करा रहा हूँ क्लास ताकि आपको एमसीक्यू में भी एक्सपर्टाइज हो जाए और अपने क्लास सीयू टी के पेपर में आप एमसीक्यू में भी रॉक कर सको राइट तो इसी इसे मैंने प्ले लिस्ट में भी एड कर दिया है क्लास ताकि हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट रहे आप अभी बना

हालांकि डेथ में हम लोग नहीं बनाते हम रिटायरमेंट में बनाते हैं एडमिशन में बनाते हैं बट हाँ ये क्वेश्चन तो तुम्हारे सिलेबस का ही है राइट तो रिवल्यूशन का जो भी गेन आता है और रिवोल्यूशन का जो भी लॉस आता है वो कैपिटल और करंट अकाउंट में चला जाता है अगर फिक्स रहता है तो वो सारी चीजें करंट अकाउंट में जाता है और किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में तो पूछा क्या था बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है फिक्स कैपिटल होगा तो पार्टनर के कैपिटल में नहीं जाएगा वो क्लास कहां जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में यानी फर्स्ट का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बहुत ईजी इजी बहुत सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ताकि क्लास आप एग्जामिनेशन में अच्छे से कर सको राइट right? सेकेंड लीजा मोनिका और निशा तीन पार्टनर से रेशियो है टू बाई फाइव टू बाई फाइव वन बाई फाइव दैपिल पच्चीस हजार मोनिका की डेथ हो जाती है द द बैलेंस इन रिजर्व ऑन डेट है इफ गुडविल ऑफ द इज वैल्यू एंड प्रॉफिट ऑन दर्टी था वॉट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू मोनिका एग्जीक्यूटर अकाउंट राइट तो ध्यान से समझ के क्लास मुझे बताओ मोनिका के एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा सुनो मेरी बात पहले बताओ जिसकी डेथ हो रही है उसका नाम क्या है मोनिका और जो मोनिका का शेयर है लिजा मोनिका निशा मोनिका का शेयर है टू बाई फाइव राइट देर कैपिटल अकाउंट पचास पचास तो मोनिका की जो कैपिटल है मोनिका की जो कैपिटल है वो कितनी है मोनिका की डेथ हो गई हजार का क्लास हो गया इफ गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यू थर्टी थाउजेंड पूरे फॉर्म की थर्टी थाउजेंड इसका हिस्सा टू बाई फाइव पांच से डिवाइड हो गया छह छह दूनी हो गया बारह हजार गुडविल का मिलेगा तो पचास हजार कैपिटल है छह हजार रिजर्व बारह हजार गुडविल प्रॉफिट है रिवेल्यूशन का सेवन जीरो उसका टू बाई फाइव करना पड़ेगा सेवन जीरो जीरो का टू एट जीरो जीरो टू, टू जीरो सेवन जीरो फाइव जीरो राइट तो टू एट टू जीरो बारह हजार छह हजार ये हो गया पचास हजार कैपिटल है तो फाइव नाइन एट टू जीरो देखो क्लास कहीं ऑप्शन आ रहा हो क्लास फाइव नाइन एट अच्छा इसमें लिखा है कि मोनिका एग्जीक्यूटर अकाउंट तो मोनिका के एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा तो सबसे पहले कैपिटल जो है मोनिका की पचास हज़ार वो है मोनिका की डेथ हो गई रिजर्व दे रखा है पंद्रह हजार पंद्रह हजार का टू बाई फाइव या आएगा छः हज़ार फिर गुडविल पूरे फॉर्म की है तीस हजार उसका हिस्सा मिलेगा टू बाई फाइव ठीक है तीस हज़ार का टू बाई फाइव यह आएगा बारह हज़ार और प्रॉफिट जो है द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन वैल्यूएशन सेवन जीरो फाइव जीरो प्रॉफ़िट ऑन रिवेल्यूशन है सेवन जीरो फाइव जीरो और उसमें से हिस्सा है टू बाई फाइव यह आ गया टू एट टू जीरो प्लस है ट्वेल्व थाउजेंड प्लस है सिक्स थाउजेंड प्लस है फिफ्टी थाउजेंड तो सेवेंटी एट से टोटलिंग गलत कर दिए थे ना मैंने पचास आ, ये क्लास टोटलिंग ये गलती से हमने क्लास टोटलिंग गलत कर दिया ये आ रहा है कितना आपका सेवेंटी थाउजेंड टू एट्टी राइट सेवन जीरो बी ऑप्शन करेक्ट है राइट ये छह हजार है बारह हजार है तो फिफ्टी सिक्स और प्लस ये तो ऑलरेडी आपका सिक्सटी से ऊपर तो यही हो गया पचास प्लस बारह तो सेवन जीरो टू एट जीरो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन गेनिंग रेशियो फॉर्मुला क्या होता है क्लास मैंने सॉन्ग सिखाया था आपको एस ओ एन जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड तो गेनिंग रेशियो पूछा है न्यू माइनस ओल्ड 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 नहीं होगा न्यू रेशियो प्लस नहीं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है मैं ओवरऑल रिवीजन करा रहा हूं ये आपके टर्म टू में भी काम आएगा ये आपकी सी डोमेन सब्जेक्ट में भी काम आएगा ध्यान रखना क्योंकि अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू आना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना चाहिए चैप्टर की नॉलेज होगी तो जरूर आएगा फोर्थ क्वेश्चन ए बी सी तीन पार्टनर है सी की डेथ हो जाती है 18 दिसंबर को एज पर द दीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी डायरेक्टेड द अकाउंटेंट तो उन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ 18 दिसंबर 2019 को एंड अकॉर्डिंगली शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसीज पार्टनर वाज कैलकुलेट और डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है 12 लाख रुपए विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मुझे बताओ क्लास सी के हिस्से का जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आप क्या करते हो कौन से लॉस को कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे मुझे बताओ ए बी सी डी बहुत सिंपल है आप सबको मैंने जनरल एंट्री सिखा रखा है प्रॉफिट का तो आप मुझे बताओ क्लास की कौन सा अकाउंट डेबिट कॉमेंट सेक्शन में मुझे हर एक बच्चा क्लास क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर देगा इट्स वेरी सिंपल एक भी बच्चा क्लास गलत ना बताए फटाफट क्लास ए बी सी डी में से आप आंसर दो वो होमवर्क आपके लिए हो गया फिफ्थ क्वेश्चन जो कि टर्म टू में भी पूछा जा सकता है सेल्स बेसिस का इसमें लिखा है कि एबीसी तीन पार्टनर से रेशियो है थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स बी की डेथ होती है तीस जून को तो अप्रैल पूरा काम किया पूरा मई काम किया पूरा जून इसने काम किया है प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वॉज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल अप टू डेट ऑफ डेथ एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस कहते हैं कि जब तक वो जिंदा था तब तक की जो सेल है और जो पिछले साल का प्रॉफिट है उस बेसिस पे उस बेसिस पे आप डिसीज पार्टनर का हिस्सा निकाल लो प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट ऑन प्रीवियस ईयर पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट है वह है परसेंट ऑन सेल्स और नेट सेल दे रखा है आपको तीन महीने का सेल दे रखा है 30 जून 2022 तक का सेल दे रखा है 6 लाख प्रॉफिट शेयर विल बी अच्छा मेरी बात सुनो बी का हिस्सा पूछा है इस 3 महीने की सेल मुझे बताओ कितनी है 3 महीने जब तक वो जिंदा था अप्रैल मई जून 6 लाख प्रॉफिट परसेंटेज है 20% छह लाख ,00 का ट्वेंटी परसेंट हो गया एक लाख बीस हजार लेकिन ये सब का है तो इस एक लाख बीस हजार में से तुम्हें इस सब बी का निकालना है तो बी का कितना है एबीसी तीन पार्टनर थ्री टू वन तो बी का है तीन चार पांच छह टू बाई सिक्स तो टू वन जो टू टू थ्री जा सिक्स थ्री फोर जा तो ये फोर्टी थाउजेंड कितना क्लास आ गया यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड राइट फोर्टी तो थाउजेंड आपका आंसर आएगा आप चेक कर लो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है फिफ्थ का बी ऑप्शन तो ये अच्छा पॉइंट था ओके okay? और एंट्री क्या होती है अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन हो तो एंट्री होगी रिमेनिंग टू डिसीज गेनिंग रेशियो में और अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन ना हो तो आप एंट्री क्या पास करोगे अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो तो आप एंट्री पास करोगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओके नेक्स्ट टे बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस पे निकालेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि द प्रोफिट क्रिएटेड टू वाइस कैप्ट अकाउंट को कितना प्रॉफिट मिलेगा यार एक बात बताओ पिछले साल का प्रॉफिट है तीन लाख साठ हजार जिसकी डेथ होगी वो है Y, y का हिस्सा है by और अप्रैल में जून तीन महीने काम किया है 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 कर कर लो लो आ आ जाएगा आंसर 3 into 3 into 2, divide by 12, 5, आंसर ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट करेक्ट चेक क्लास गया यानी कि जितनी जल्दी देखो मेरी बात समझना कर तो मे बी चालीस क्वेश्चन जो आएगा सी में चालीस क्वेश्चन में, वो 40 में भी बहुत सारे बच्चे बना ले बहुत सारे बच्चों को आता होगा लेकिन कौन समय पे करेगा वो मैटर करता है तो अगर आपने टाइम ऑन टाइम क्वेश्चंस नहीं किए आपको टाइम मिला है करने के लिए 45 मिनट्स का ओनली और आप 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन नहीं कर पाए आता हुआ छूट गया कई बार कैलकुलेशन भी देखना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी मैं आपको अभी शॉर्टकट सीरीज भी चालू करूंगा क्योंकि अभी तो मैं बस चाह रहा हूं कि टर्म वन पे आपका फोकस ज्यादा रहे और टर्म वन अगर देखो अब ये कोई नई चीज नहीं है यही सेम चीज अगर ऑप्शन हो के क्वेश्चन मार्क बन जाए तो ये आपका टर्म टू का सिलेबस हो गया और ऑप्शन में जैसे हो जाता है वो आपका सीयू टी का सिलेबस हो गया तो इसलिए बोल रहा हूं आप इनको बना लो अटलीस्ट कितना टाइम लगता है ट्वेंटी मिनट्स हार्डली तो अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट भी एक दिन का दोगे ना तो भी तुम्हारा टर्म टू का सीयू का प्रिपरेशन हो रहा है टर्म वन पूरा छूटा हुआ है वो मैं करा दूंगा फिर से आपको ट्वेल्थ का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा राइट तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से तैयारी करो अगर मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्वेश्चन बना रहा हूँ ये सब चीज कर रहा हूँ यार तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए राइट चूज दी ऑड वन तो आपको ऑड चूज करना है कि इन चारों में से ऑर्ड कौन सा है भाई देखो री वैल्युएशन अकाउंट बनता है डेथ के अंदर रिलाइजेशन नहीं बनता एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी होता है गेनिंग रेशियो भी होता है तो रिलाइजेशन अकाउंट जो है क्लास वो ऑर्ड है तो आप ध्यान रखना रिलाइजेशन अकाउंट जो है क्लास वो ऑर्ड है यानी कि ये इन सबसे बिल्कुल ही अलग है डियर लर्नर्स आई होप अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो होकेडमी पे सारे प्राइसेस एक अप्रैल से बढ़ने वाले हैं तो यानी कि अभी भी टाइम है क्लास अकेडमी का कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर एक्स्ट्रा टेन परसेंट का ऑफ मिलेगा लो प्राइस पे अगर आप कूपन कोड एस पी ए टेन यूज करोगे किसी भी टाइम का किसी भी ड्यूरेशन का कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो तो ये कूपन यूज, यूज करते हो टेन परसेंट का ऑफ मिलेगा वो भी लो प्राइस पे आप चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप चाहो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस लेकिन ये सारे फीचर आइकॉनिक में मिलेंगे प्लस एक्स्ट्रा आपको मेंटोर मिलेगा आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा लाइव डाउट सेशन होगा पेरेंट्स आपके कनेक्ट कर पाएंगे स्टडी प्लानिंग की जाएगी आपके स्ट्रेंथ आपके वीकनेसेस को देखते हुए आपको प्लान दिया जाएगा इतना ही नहीं सीबीएसई क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ के लिए क्रिएटिव कॉर्नर भी अवेलेबल है जहां पर तीन महीने का आपको क्लास क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अगर आप कोई भी ट्वेल्थ मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑफर लिमिट टाइम के लिए है प्लीज एपेटन कूपन कोड यूज करो और क्लास

डनीस्ट टू पेड अमाउंट टू ड्यू टू मतलब रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर नो मिनी एट वॉट रेट इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट शैल बी पेबल द रेट एट विच बैंक ग्रांट लोन द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड इन दार्टनरशिप एक्ट नाइन थर्टी टू एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड बाई द हाइयर इन डिसीज पार्टनर और एट परसेंट पर एन एम चलो मुझे बताओ अगर अगर क्लास मान लो जिसकी डेथ होगी उसका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसे हम किस रेट पे देंगे बैंक रेट पे देंगे आठ परसेंट रेट पे देंगे बैंक जिस रेट पे लोन देता है वो या जो क्लास एक्ट में लिखा है तो ए बी सी डी तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है जिस भी रेट में क्लास एक्ट में लिखा है आप उस रेट में या जो डीड इसमें डीड का तो कोई क्लास है नहीं इसमें जो डिमांड करेगा उस पर हम नहीं दे सकते राइट जो डिमांड करेगा उस पर लेस है सीधे डिमांड करने पर हम नहीं जो एक्ट में लिखा है उस हिसाब से देंगे राइट क्वेश्चन पवन करमन एंड हरमन तीनों पार्टनर इक्वल है पवन की डेथ हो जाती है 31 जुलाई अप्रैल में जून जुलाई कितने महीने काम किया है क्लास चार महीने के लिए जनरल एंट्री पास करनी है पवन शेयर ऑफ लॉस इन द इंटरवेनिंग पीरियड विल बी सुनना मेरी बात यहां पे लॉस बोला है पवन शेयर ऑफ लॉस तो जो प्रॉफिट की एंट्री होती है वो होती क्या है क्लास पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट

क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं राज मनोज एंड वासु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो थ्री रेशियो टू रेशन मनोज की डेथ हो जाती है मनोज का हिस्सा कितना है क्लास ऑन जून लॉस फ्रॉम एक अप्रैल टू तीस जून एक अप्रैल से तीस जून का जो लॉस है वो पैतालीस है ध्यान समझना थ्री मंथ्स का लॉस पैतालीस है मनोज का हिस्सा है टू बाई तो ये आ गया तीन महीने का जो लॉस हो गया वो पंद्रह और वैसे जब तुमको नई रेशियो दे रखी है तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा अगर नई रेशियो दे रखी है तो क्योंकि फिर एंट्री क्या करते हो प्रॉफिट्स की एंट्री क्या होती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लॉस की एंट्री क्या होती है लॉस की एंट्री बिल्कुल पलट जाती है मतलब प्रॉफिट की एंट्री रिमेनिंग टू डिसीज और लॉस की एंट्री डिसीज टू रिमेनिंग तो डिसीज कौन है मनोज रिमेनिंग कौन है राज और वासु यानी कि ये ऑप्शन तो यहाँ से देख के मुझे सही लग रहा है ये तो गलत है लेकिन तुम एक और लगाओगे नहीं ये भी गलत लग रहा है ये भी तीनों नाम तो है ही नहीं लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्लास की अमाउंट जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड तो न्यू है थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव ओल्ड है थ्री बाई सिक्स और वन बाई सिक्स सिक्स फाइव जैसा थर्टी एटीन माइनस फिफ्टीन कितना आएगा थ्री बाई थर्टी ये भी थर्टी आएगा ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन बाई थर्टी तो ये थ्री बाई थर्टी है और ये सेवन बाई थर्टी ध्यान समझना थ्री बाई थर्टी है और सेवन बाई थर्टी है थ्री रेशियो सेवन है जब थ्री रेशियो सेवन है टेन से डिवाइड टेन से डिवाइड दो पंद्रह सौ इंटू तीन पैंतालीस सौ पंद्रह सौ इंटू सात दस हजार पांच सौ तो ये कैलकुलेशन देखो रिमेनिंग कौन है मनोज टू रिटायरिंग लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस है तो उल्टा हो जाएगा लॉस है उल्टा हो जाएगा तो मनोज को डेबिट करेंगे वैसे तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग होता था रिटायरिंग मतलब डिसीज लेकिन अब उल्टा कर देंगे जिसको डेथ हो रही है वो ऊपर आ जाएगा पंद्रह हजार टू राज टू वास लॉस है और अमाउंट भी देखो हमने सही निकाला है इसका मतलब इसका ये ऑप्शन सही लग रहा था और हमें ये ऑप्शन इसका सही भी है ठीक है तो टेंथ क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है इलेवन पे आओ क्वेश्चन। पार्टनर किसी की डेथ में, ऑफ अ पार्टनर हेज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर दम टू द डेट ऑफ डेथ इज ट्रांसफर टू तो जो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है ध्यान समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आ चुका है बोर्ड के पेपर में आ चुका है तो आप एंट्री क्या पास करते हो जिसकी डेथ होती है उसमें तो लिखते हो बाई पी एंडल सस्पेंस लेकिन पी एंड एल सस्पेंस में क्या करते हो डेबिट राइट तो डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा डेबिट ऑफ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट सी ऑप्शन करेक्ट आप एंट्री क्या पास करते हो जिसकी डेथ हो जाती है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालने के लिए आप एंट्री क्या पास करते हो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपल अकाउंट आप एंट्री क्या पास करते हो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस पार्टनर कैपल अकाउंट पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस पार्टन कैपिटल अकाउंट तो पेनल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हो ना डेबिट ऑफ पेनल सस्पेंस तो इलेवन क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है

और करंट जा रहा है तो उसका वो फाइव बाई ट्वेल्व ठीक है फोर बाई ट्वेल्व फाइव बाई ट्वेल्व तो पंद्रह और बारह का एल्सियम कितना क्लास आएगा एक सौ अस्सी साठ पंद्रह चौके साठ बारह पंच साठ साठ आएगा ठीक है तो पंद्रह इंटू चार चार इंटू सात अट्ठाइस माइनस बारह इंटू पाँच बीस आएगा एट अपॉन सिक्सटी तो कहीं अगर एट दिखे तो मुझे लग रहा है यही ऑप्शन करेक्ट होगा बाकी देख लेते हैं अपने आप ऐसा नहीं कह सकते श्योरली श्योरली पंद्रह चौके साठ बत्तीस माइनस बारह तो पाँच 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 पच्चीस तो पच्चीस सात आगे करेक्ट था हमारा एट रेशो सेवन सही लगाया था हमने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है, class, है रेशो का फॉर्मला ही लगाना था बस <tell> थर्ड इन क्वेश्चन एबीसी तीन पार्टनर्स हैं इनकी जो रेशियो है वो टू टू वन बी की डेथ हो गई एट द टाइम ऑफ गुडविल द फॉर्म इज वेल्थ थर्टी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी मेड बाय ए एंड सी इन ऑर्डर टू पे द बी एक्जीक्यूटर मेरी बात समझना पूरे फॉर्म की गुडविल तीस है जिसकी डेथ हुई है उसका उस वो बी है तो बी का कितना है क्लास टू बाई फाइव पाँच तो छः दूनी बारह और एक दो तीन बारह हजार तो हजार को दोनों गेनिंग रेशियो में देंगे तो बी को हटा लो तो टू रेशियो टू बाई थ्री वन बाई थ्री थ्री से दोगे क्लास कितना आएगा चार तो ये आएगा आठ हजार और यह आएगा चार हजार आठ और चार तो आप देख लो आठ और चार कहीं हो तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है यानी थर्टीन क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है राइट नेक्स्ट फोर्टीन क्वेश्चन देखते हैं अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द जो भी डिसीज पार्टनर का अमाउंट ड्यू है द अमाउंट ड्यू टू द डिस पार्टनर इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ तो किसको मिलता है जिसकी देखो एडमिशन में सबका बैलेंस टू बैलेंस सीट जाता है Retirement में जिसकी जो रिटार हो रहा है उसका बैलेंस टू रिटायरिंग पार्टनर लोन के नाम से आता है डेथ में वो सारा का सारा एग्जीक्यूटर के नाम से आता है ध्यान रखना क्लास डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो भी बैलेंस बचेगा वो एग्जीक्यूटर में जाएगा फिफ्टीन क्वेश्चन अकाउंट इज अनफेक्टेड वेन एन एसेट इज टेकन ओवर बाई द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर तो अगर डिसीज पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर है अगर वो किसी एसेट को लेके जाता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट अनअफेक्टेड होगा तो क्लास ये बात गलत है रिवॉल्यूशन में अनरिकॉर्डेड एसेट को दिखाते हैं दूसरा पूछा है आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड वीडियो पॉज करके आप खुद भी सोचो बनाने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिट अच्छा क्रेडिटस कम हो गया तो क्या होगा क्लास क्रेडिटस अगर कम हो गया तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आएगा ना कि डेबिट साइड पार्टनर तो so, ये सही है क्लास अगर आप एसेट को बेचोगे तो फायदा तो रिवॉल्यूशन में क्रेट रिवॉल्यूशन अनफेटेड रिवॉल्यूशन एक्सपेंसिस एक्सपेंस में भी वो डेबिट साइड आएगा रिवोल्यूशन में ओके? Okay? चलो तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और इसके साथ हमारे पंद्रह के पंद्रह अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें क्लास मैंने कोशिश करा है कि हर एक चीज कवर किया जा सके वो हमारा खत्म हो गया अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से देख लेना जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको किसी पेज पे लिख के रख लेना जो बन गया वो आपको आगे भी याद रहेगा डोंट वरी ताकि लास्ट में आपको फिर से पूरा वीडियो देखना ना पड़े तो जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उन्हें आप लिख के रख लो ताकि आप बिफोर एग्जाम उनको देख के जा सको आई होप की सीरीज आपको अच्छी लग रही है बहुत सारे बच्चों ने बोला क्लास को कंटिन्यू करो हम पूरा का पूरा ध्यान टर्म टू पर ही दे रहे हैं बस डेली एक छोटी सी वीडियो आपके लिए क्लास आप बोलोगे तो इस ऑल्टरनेट डेज पर भी लेके आएंगे मेरा ये टारगेट है कि अप्रैल के मिड तक आपका सारा का सारा अकाउंटिंग को एस का जो हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हैं टर्म टू का बेसिकली टर्म टू आपका डिटेल में एमसीक्यू में रिवीजन में हर तरीके से खत्म हो जा सके राइट बाकी आपका वन शॉट आ रहा है क्लास एक तारीख से बहुत प्यार देना सबको शेयर करना सारे बच्चों को बुला के लेके आना वन शॉट रिविजन टर्म टू के लिए अकाउंट सो बी एस पूरा का पूरा ए टू जेट ठीक है चलो टेक केयर बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताना कॉमेंट करके कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में